हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। फ्रेंड, आज एक नए वीडियो आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ पेट्रोल पंप पे फ्रॉड कैसे होता है, आपको पेट्रोल कम क्यों मिलता है, और जैसे आप मान के चलिए 500 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपको उसमें 300 रुपये का पेट्रोल मिलता है या 400 रुपये का पेट्रोल मिलता है, क्यों मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, जब मैं एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए गया, मैं अपने खुद की ही बात बता रहा हूँ, तो मैंने पेट्रोल डलवा के सेल्समैन से पूछा, तो जो सेल्समैन मेरी जान पहचान का था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी जान पहचान का था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताइए, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए गया था और उस पेट्रोल पंप पे मुझे कम पेट्रोल मिला, मैंने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया, मुझे 100 रुपये का पेट्रोल मिला, तो ऐसा होता है क्या? तो उस सेल्समैन ने मुझे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल होता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा। तो वो बोला, देखिए भाई, पेट्रोल पंप पे एक से एक लोग आते हैं प्रतिदिन, और हर दिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि इतनी शराब पी के चलते हैं, इतनी शराब पी के चलते हैं कि इतना दारू पी के चलते हैं कि वो आए और उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी लगाई और उन्होंने बोला 500 रुपये का पेट्रोल डाल दो या 500 रुपये का डीजल डाल दो, और शराब वगैरह दारू वगैरह इतनी पी के रखे हैं कि जिनको कोई होश नहीं होता है। और सेल्समैन बोला, हम लोग क्या करते हैं कि हमने गाड़ी का ढक्कन खोला, उसमें पेट्रोल डाला, जैसे उसने 500 का डलवाया, हमने 400 रुपये का पेट्रोल डाल दिया और उससे बोल दिया हाँ हो गया, और उसने पैसे दिए और बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो मैंने कहा, तो देखिए फ्रेंड, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गया और उसने मुझे, मैंने 200 का पेट्रोल डलवाया और मेरी गाड़ी में 100 रुपये का ही पेट्रोल आया, या मैंने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया और मेरी गाड़ी में 50 रुपये का ही पेट्रोल आया। तो देखिए आखिर होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पेट्रोल पंप पे लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 5 से 6 गाड़ी खड़ी हुई हैं, उसके बाद सेल्समैन आया, सेल्समैन ने पेट्रोल डालना स्टार्ट किया, किसी की 200 रुपये की डलनी है और किसी की 150 रुपये की डलनी है, तो सेल्समैन ने क्या किया, 200 रुपये फीड किया, उसके बाद सबसे पहले 150 वाली गाड़ी में डाला, 150 रुपये हो गया। उसके बाद जब भीड़ ज़्यादा होती है तो कस्टमर क्या है कि ध्यान भी नहीं कर पाता है, उसके बाद उसने नोजल को जीरो नहीं किया और वही नोजल 200 रुपये, जिसमें 200 रुपये का डलना था, उसमें लगा दिया और उसने चालू कर दिया और उसमें 200 रुपये का पेट्रोल हो गया। तो 200 रुपये की जगह उसमें कितने का गया, 50 रुपये का। क्यों गया, क्योंकि 150 रुपये का पेट्रोल अगली गाड़ी में गया था और मशीन को जीरो नहीं किया और वहीं से रनिंग में चला दिया, तो उसमें 50 रुपये का गया, तो उसको 150 रुपये का घाटा हुआ। 100 सेल्समैन में से एक आध सेल्समैन ऐसा होता है।